हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम हुंडर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दुर्बुक, दुर्बुक से पेंगोंग और वापस दुर्बुक, क्योंकि ले मनाली वाया हाईवे पकड़ने के लिए वापस दुर्बुक से चांगला पास होते हुए कारू पहुंचना होगा। तो चलिए आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं चाय के लिए यहाँ कल्सर में। यहाँ इस ढाबे पर अभी चाय पी, टेबलेट लेनी थी, टेबलेट ले ली और अब यहाँ कल्सर से निकलते हैं। अभी वहाँ नीचे वो ढाबे देख रहे हो, वहाँ चाय पी ऐसे घूमते हुए वापस ऐसे होते हुए यहाँ के ऊपर। कंडीशन काफ़ी ख़राब, काफ़ी समय से ऐसे चला रहा हूँ इस तरह की सड़क पर, बिल्कुल दो नंबर में। और वाटर क्रॉसिंग है, कीचड़ वाटर क्रॉसिंग के बाद वापस चढ़ान। पहाड़ किस तरह कट रखा है, घाटियां एकदम नीचे। बिल्कुल खराब है सड़क, साइड वाटर क्रॉसिंग है यार। अभी यहाँ सभी बाइकर्स रुके हुए हैं, सभी को बारी बारी से सबकी एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे निकलते हैं और उसके बाद आगे का अपडेट आपको मिलता है। पानी का फ्लो देख रहे आप, यदि कोई हल्का व्यक्ति बीच में खड़ा हो तो साथ में ले जाएगा। अभी हम निकालने के लिए रेडी है, बिल्कुल बाइक किस तरह गिर रही है। पहले सब निकल
था इसको। ओके, छोटी सी क्रॉसिंग और आ गई। चलो चलो निकालूंगा फिर से वाटर क्रॉसिंग एक और। यहाँ तो ठीक है, अगर इनको कैसे करें करो। अभी और वाटर क्रॉसिंग आ गई यार, कितनी आएगी पता नहीं, चलते हैं। और फिर रास्ता खराब यार, क्या हो गया, सुबह से खराब आ रहा, बहाव अधिक बढ़ जाता है इस तरह, ऊपर से बहता हुआ पानी आ रहा। देख रहा हूँ कितनी गहरी घाटी दर्रा, नीचे नदी चल रही बिल्कुल 500-700 मीटर नीचे। यार रेडियम चिपकाया रहा है। जय माता दी। धीरे बिल्कुल धीरे। अब नदी दिखाई दे रही होगी आपको, हम नीचे आ गए हम दर्रे में बिल्कुल। वाह हिमालय क्या तेरी खूबसूरती है, अलग ही नज़ारा। बस अकेला हूँ इसलिए थोड़ा डरता हुआ चल रहा हूँ, खैर भगवान तो हमारे साथ ही है ना। पेंगोंग के लिए यहाँ दूसरा परमिट चेक होगा, उसके बाद पेंगोंग लेक पहुँचेंगे। ये पेंगोंग के लिए रास्ता है, अभी 34 किलोमीटर यहाँ से पेंगोंग। ये गेहूँ की खेती की हुई, इस तरफ पानी का नाला, बर्फ ऊपर देख रही होगी आपको रोड पर। लो जी फाइनली हम हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, कितनी एक्साइटमेंट होगी वो आप। फ्रेंड्स मैं अभी पहुंच गया हूं पेंगोंग लेक, जो आप देख रहे हो नजर पीछे वो ग्लेशियर वाले पहाड़। आपको पता होगा आधे से अधिक ये लेक है वो चाइना के अंदर है, तो चाइना बॉर्डर यहाँ से अधिक दूरी पर नहीं है, जस्ट पास में ही है। बता रहा था ऊपर सड़क से, वहाँ से ऊपर गाड़ियाँ खड़ी वहाँ पे, वो 3G वो इसमें। अब मैं यहाँ पर आ गया, मेरे नीचे बाइक, यहाँ पर फोटो खींचा। ओके सर, गुजरात अहमदाबाद यहाँ से तुम मतलब अकेले देखते हुए ये सब कह रहे थे आराम से जाना। उनका भी कहना सही था, और मैं तो ये सुन सुन के बोर हो गया, क्या मानते हो आप। पानी का कलर देख रहा इस तरह का,
अभी हम थोड़ा करते हैं खाना खाते हैं, इस बाद में निकलते हैं डुरबुक, वहीं करेंगे स्टे। ये स्कूटर और बोर्ड देखकर आपको कुछ याद आया होगा, यहाँ पर हुई 3 एडिट मूवी शूटिंग और वो आगे बुलेट देख रहे हो वो है जब तक है जान मूवी की शूटिंग की वही भी यहीं हुई। तो आप ये दोनों मूवी नहीं देखी तो आप जरूर देखना, काफ़ी मज़ा आएगा। आइए साथ में बैठकर थोड़ा खाना खाते हैं और उसके बाद में आगे का सफ़र शुरू करते हैं। लो जी अभी पेंगोंग से वापस हम निकल रहे हैं डुरबुक के लिए, तो काफ़ी एक्साइटमेंट क्योंकि काफ़ी कवर कर लिया हमें, वापस घर की तरफ रवाना हो गए फाइनली। ये हिमालय का दृश्य है, ये बीच में देख रहे हो गहरी घाटी, कैमरे में ऐसी शूट नहीं होती जैसे हम आंखों से देखते हैं क्योंकि ये रियल। इतनी खूबसूरती के बीच में फिल्मों की शूटिंग तो होती ही रहती है, तो ये दूसरी या तीसरी फिल्म शूटिंग में देख रहा हूँ। पेंगोंग और डुरबुक के बीच में ये आप मेरे पीछे देख रहे हो जिनको मुरमुट बोलते हैं और इनको टूरिस्ट काफ़ी पसंद भी करते हैं। ये थोड़ा सा इनका मेन कैमरे से व्यू आप देखिए और इनके साथ टूरिस्ट लोगों की थोड़ी मस्ती भी देखिए। सॉरी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, हवा अधिक तेज़ होने के कारण मैं ये वो इस बार से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। सपोर्टेड बाय स्याग एवं पुल की ट्रेंडिंग कंपनी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और इसका अगला पार्ट होगा यहाँ दुर्बुक शिकारों के लिए, जो आज ही बना लेकिन फिल्म मेरी लंबा हो गई इसके लिए इसको अलग से बनूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।